तेजी जारी है। हाजिर मांग के कारण वायदा कीमतों में तेजी आई है। NCDX पर अप्रैल वायदा 11,100 रुपए के ऊपर कारोबार करता दिखाई दिया है। लगातार दूसरे हफ्ते भाव 11,000 के ऊपर बरकरार है। वायदा के भाव लगातार 9 हफ्तों से चढ़े हुए हैं। 9 हफ्तों में धनिया का भाव 26.25% से ज्यादा चढ़ा है। जनवरी से अब तक करीब 26% की जोरदार तेजी देखने को मिली है। अक्टूबर 2015 के हाई के करीब धनिया का भाव पहुंचा है। बुआई में कमी के अनुमान से कीमतों में तेजी आई है। बेमौसम बारिश से उत्पादन गुणवत्ता प्रभावित भी हुई है। नई आवक में देरी की आशंका से भी सपोर्ट इन्हें मिला है, लेकिन जब धनिये की आवक होगी और मंडियों में जोर पकड़ेगी तो कीमतों में गिरावट भी देखने को मिलेगी। लेकिन आवक के आने के बाद जब स्टॉक सुधर जाएगा तो कीमतों में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बाजार के जानकार केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया का कहना है कि धनिये की नई आवकों से हो सकता है कि थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिले और मार्केट थोड़ी नीचे जाए, लेकिन ओवरऑल रुझान धनिये में तेजी का ही बना रहेगा। अजय केडिया के अनुसार धनिया फरवरी के अंत तक या मार्च के शुरुआत तक 12,500 तक के स्तर दिखा सकता है। वहीं जून जुलाई तक 18,000 से लेकर 18,500 तक के भी स्तर धनिये में देखने को मिल सकते हैं। निवेशकों को एक बार ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। वायदा में कीमतें अभी बहुत ऊपर हैं, यहाँ पर मुनाफा वसूली करनी चाहिए और नई पोजीशन बनाने के लिए निचले स्तरों का इंतजार भी करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।